इतनी जल्दी चिप्स खत्म भी हो गए? लोकल चिप्स वाह। अरे भाई आपको दिख नहीं रहा है कि मैं तो झाड़ू लगा रही हूँ। अरे क्या हो गया बहन जी आपको? ए भाई देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, ऊपर भी नहीं नीचे भी, भी नहीं भी। ए भाई क्षमा कीजिए, अब मैं इसको कहाँ फेंकूं? इसमें पूछने की क्या बात है, कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में ही डाल, सूखा कूड़ा नीले कूड़ेदान में, गीला कूड़ा हरे कूड़ेदान। धन्यवाद, ये सूखा कूड़ा तो मैं इसको नीले कूड़ेदान में डाल देता हूँ। ये लीजिए सूखा कूड़ा। अरे क्या हो गया, दूसरा पे क्या तमाशा लगा रखा है? अरे देख ये छोटी बच्ची रेड लग बैठी है, झाड़ू लगाऊंगी, अपने शहर को साफ और सुंदर बनाऊंगी। अरे चाचा, अरे चाची, अरे ताया, अरे ताई, कोई तो आओ, जरा इस बच्ची को समझाओ। अरे अरे समझाना क्या है, ठीक ही तो कह रही है, बहल होगी तभी तो साफ होगा अपना। बहन जी कैसी बहल, अरे बहन जी अब आप क्यों रोने लगी हो? देखिए ना भाई साहब, पता नहीं मेरी लाडू बेटी को क्या हो गया है, कह रहे पूरी गलियों में झाड़ू लगाऊंगी, अब क्या यही दिन देखने थे मुझे? अरे भाई तुम इतना रो रहे हो, कहने की बात तुम कितना रो रही हो, अरे संभालिए अपने आप को, संभालिए। किस बुद्धि ने केले का छिलका फेंका था? अरे पापा ये तो थोड़ी देर पहले माने ही फेंका था। तो मुझे तो नहीं पता था ये छिलके पर आपको ही गिरना था, पता होता तो फेंकते थोड़ा। चलिए एक और मुसीबत खड़ी हो गई। अगर दर्द किसी अपने को हो तो जान अटकती सीने में, खैरों को दर्द हो तो क्या हर्ज है जीने में। खुजली कैसे हो रही और तेरे ताने? अरे क्या बताऊं, मैं ना बाजार वाली गली से जा रही थी, वहां पर इतने बड़े बड़े गड्ढे, उनमें इतना गंदा पानी, और कार आई सारा कीचड़ मुझ पे आ गया, सारे मच्छर मुझ पर चिपट गए। हाय खुजली, जुबी जुबी जुबिडुबी पारंपा, जुबिडुबी जुबिडुबी, देखो मच्छर से निकाला दम, गड्ढों में गड्ढे हो रहे, गड्ढों में पानी भरा, पानी में मच्छर हो रहे जो खून चूसा, जुबिडुबी जुबिडुबी जुबिडुबी। हे भगवान, मैंने तो अपने पति को कहा ही था कि एमसीडी में जाकर अर्जे लगाएं गड्ढों की, और मैंने सुनते ही कहा है। वैसे भी हम जाए सरकार के पास, हम सरकार के पास जाते हैं तो वो कहीं ना हमारी सुनते और हमें धक्के मार के बता देते हैं, और वैसे भी हमारा काम नहीं है, सरकार का काम है, खुद आके अपना काम करवाएगी। अरे लेकिन हम सरकार पर क्यों निर्भर है, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, हम जब तक अपने गली मोहल्ले को साफ नहीं रखेंगे हमारा देश साफ नहीं होगा। ये सही कह रही है, हमें अपना काम खुद करना चाहिए। देखा आप लोगों ने, अगर मिलकर करेंगे हम सब काम तो यही होगा अच्छा परिणाम। अरे वाह, आज सड़कें बड़ी साफ है, मानो आज तो सड़कों की काया ही पलट गई हो। अरे तुम्हें नहीं पता हमारे एमएलए साहब आ रहे हैं आज। अच्छा, अमिता कुमारी जिंदाबाद, अमिता कुमारी जिंदाबाद, अमिता कुमारी जिंदाबाद। नमस्कार मेरे प्यारे और बहनों और भाइयों, आज मैं यहाँ एक नेता की हैसियत से नहीं बल्कि एक आम आदमी की हैसियत से आई हूँ, तथा मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान लागू किया है। इस अभियान के अंतर्गत हमें अपने पास गली मोहल्ले में सफाई रख के इस अभियान को सफल बनाना है। उन्होंने 2019 तक सफल हो जाएगा, परंतु मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरा सहयोग दें और 2019 तक इससे पहले सफल होने में मेरी
कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, मेरी उम्मीद है आप सब उसे ध्यान से देखें। गली मोहल्लों को साफ रखेंगे तो हमारा हिंदुस्तान साफ होगा और स्वच्छता को महत्व मिलेगा और हमारे देश का विकास होगा। तथा मैं आप सभी से यह अनुरोध करती हूँ कि अपने आसपास साफ सफाई रखें और अंतिम गाने के साथ हम ये नाटक खत्म करते हैं। लेके चलूं मैं लेके चलूं एक ऐसे जगह।